दोस्तों, आजकल हमारे देश में दो मुद्दे पर बहुत जमकर बातचीत चल रहा है। पहला है हिंदू राष्ट्र की मांग और दूसरा है भारतीय संविधान बदलने की मांग। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो आदमी हिंदू राष्ट्र की ख्वाहिश रखा अपने दिल में, उनकी ये ख्वाहिश बस उनके दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि ये भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यह किसी भी एक धर्म का देश नहीं घोषित किया जा सकता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यह अपना संविधान कहता है। और दूसरे मुद्दे की बात करें, वो है भारतीय संविधान बदलने की मांग। तो मैं उन आरएसएस और बीजेपी के दलालों को बताना चाहता हूँ कि यह जो तुम्हारी सोच है, यह जो तुम्हारी ख्वाहिश है, यह जो तुम्हारी सपना है, यह कभी सपने में भी नहीं पूरा होने वाला है, क्योंकि तुम लोग जितने संविधान का विरोध करने वाले लोग हो, उससे हजार गुना ज़्यादा संविधान के रक्षा करने वाले लोग हैं, जो इस भारत देश में शांत बैठे हैं। सोचो, जिस दिन वो लोग अपने घर से निकल जाएंगे भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, तो तुम जैसे सोच रखने वाले लोगों की नस्लें गायब हो जाएंगी इस भारत से। भारतीय संविधान के विरोधियों को हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी तक सैकड़ों लोगों से भी अधिक लोगों ने संविधान बदलने की मांग और संविधान बदलने की इच्छा रखी, बात कही, लेकिन अभी तक जो बयान आया था आम लोगों के बीच की आवाज़ हुआ करती थी, जिसे गलत समझकर खारिज और नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो संविधान को लेकर बयान आया है, वह बयान कोई आम जनता नहीं दिया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराव ने द मिंस इस खबर में एक लंबे लेख लिखा है और कहता है, भारत का संविधान जिसे हम लोगों ने 1950 में अपनाया था, वह अब वैसा नहीं रह गया है, इसमें बहुत से संशोधन किए गए हैं। हालांकि 1973 में हमें बताया गया है कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता है, भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी कहना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ, 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। विवेक देवराव ने उस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल का होता है। यही नहीं, विवेक देवराव ने भारत के संविधान को विरासत में मिला हुआ संविधान बताया है, जहाँ सभी लोगों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक परिषद के मुख्य सलाहकार विवेक देवराव ने भारतीय संविधान को बदलने की मांग का आर्टिकल तैयार कर रहा था। और जैसे ही इस आर्टिकल का खबर पूरे देश भर में फैला, वैसे ही पूरे भारत में खलबली मच गई और देश के बड़े बड़े लीडर और अच्छे लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संविधान के पक्ष में आवाज़ मजबूती के साथ उठाने लगे और विवेक देवराव के खिलाफ तमाम प्रकार के मांग। और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि विवेक देवराव, तुम अपने पद को इस्तीफा दो, जिसके बाद विवेक देवराव ने सफाई देते हुए कहा कि यह मेरी पर्सनल विचार है, मेरे इस विचार को, मेरे इस लेख को पीएम प्रधानमंत्री परिषद अध्यक्ष से ना जोड़ा जाए, यह मेरी अपनी विचार थी, ना कि किसी और की। दोस्तों, मुझे बहुत शर्म आता है ऐसे लोगों पर जो अपनी पदवी की गरिमा को खो बैठते और जिस संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं जो भी करूंगा भारतीय संविधान के दायरे कानून में रह कर करूंगा, मैं कभी भी अपने भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे ही पावर में आते हैं उसी बाबा साहब के संविधान पर टिप्पणी करने लगते हैं, उसी संविधान को संशोधन करने लगते हैं और उसी संविधान का बदलने की मांग करने लगते हैं या फिर किसी और से ऐसे बयान भी दिलवाने लगते हैं। दोस्तों, उन्हें शर्म नहीं आता है कि जिस संविधान के देन से वह उस पद को पाए हैं, जिस संविधान के देन से उन्हें समानता का अधिकार मिला है, उसी बाबा साहब के संविधान को बदलने की मांग शुरू कर देते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। आखिर क्या चाहते हैं, आखिर क्यों बदलना चाहते हैं संविधान को, आखिर क्यों दिक्कत है इन्हें अपने भारतीय संविधान से। जी हाँ दोस्तों,
हम उसी भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लिखित संविधान है। हम उसी संविधान का बात कर रहे हैं जो हम सभी भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाता है। हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं जो हर निर्दोषी या गरीब बेसहाय का आखिरी उम्मीद बना रहता है। हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं जिसके वजह से आज हम इस धरातल पर स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, इस धरती पर आज़ादी से खड़े हैं। हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी के एजुकेशन के मेहनत से तैयार किया हुआ है और बाबा साहब के साथ साथ तमाम लोगों का समर्थन रहा है इस पवित्र संविधान का निर्माण करने का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ट्रैफिक कमेटी के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री थे, मौलाना अबू कलाम थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अबू स्वामीनाथन जो कि महिला थी। इनके बावजूद अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे तमाम हस्तियां शामिल थी इस संविधान के निर्माण में जिसके सामने तुम लोग एक नादान बच्चे के समान हो। इतने महान महान लोगों के बीच जिस संविधान का निर्माण हुआ है उसे तुम लोगों की क्या औकात है जो इसकी बदलने की बात करते हो। समझ जाओ अभी वक्त है, नहीं तो गुलामी में फंस जाओ। दोस्तों मैं अपने सभी ओबीसी एससी एसटी भाइयों से यही कहूंगा कि आप लोग सतर्क हो जाओ, संभल जाओ और अपने संविधान की रक्षा करो, नहीं तो ये मनुवादी और आरएसएस के लोग अपने पवित्र संविधान को बदलने की बहुत से साजिश बना रहे हैं। यदि इन लोगों का ये संविधान बदलने का प्लान और साजिश सफल हो गया तो फिर से हम सभी को अपना गुलाम बना लेंगे। ये आरएसएस और मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग फिर से हम सभी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे इस भारत देश में। ये लोग नया संविधान का निर्माण किए हैं अपने जहरीली विचारधारा से, जिसमें फिर से वही पुराने रीति रिवाज, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, छुआछीत, ऊंच नीच जैसे तमाम प्रथा नियम लागू करना चाहते हैं। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम सभी लोग भारत में आज़ादी से रहें। ये लोग ये चाहते हैं कि हम सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक जैसे तमाम पदों पर हम सभी ओबीसी, एससी, एसटी लोगों का अधिकार ना रहे। ये लोग इन सभी अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बाबा साहब ने अपने संविधान में हम सभी को दिया हुआ है। ये लोग बस ब्राह्मणवाद राज चलाना चाहते हैं अपने भारत में। आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग बस यही चाहते हैं कि आहिर जो है दूध का व्यापार करें, लोहार जो है लोहे का व्यापार करें, केवट मछली और मल्लाही करें, चमार जूते चप्पल का व्यापार करें, मौर्या सब्जी बेचने का व्यापार करें, धोबी कपड़े धोने का काम करें, नाई बाल काटने का काम करें, शर्मा लकड़ी बनाने का काम करें, बनिया राशन बेचने का व्यापार करें। यानी ये लोग फिर से हम सभी को जात के आधार पर बांटना चाहते हैं, जात के आधार पर हमसे काम कराना चाहते हैं, जात के आधार पर हमसे नाता रखना चाहते हैं। ये आरएसएस और मनुवादी सरकार के लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। इस बाबा साहब के संविधान के हिसाब से इन लोगों का राज नहीं कायम हो पा रहा है, क्योंकि इस संविधान के हिसाब से हम सभी को एक समान स्वतंत्रता मिलता है जो इन लोगों को नहीं पचता है। ये आरएसएस और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बस यही चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को अपना गुलाम बनाना, यानी हम सभी 85% बहुजनों को, मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए संभल जाओ। लास्ट में ही कहूँगा कि जो राजनीतिक पार्टी भारतीय संविधान की रक्षा करे, अपने भारत देश की रक्षा करे, आप लोग उसी का समर्थन करें, उसी का साथ दें, क्योंकि अगर भारत का संविधान नहीं रहेगा तो आप यकीन मानिए आप इस तरह स्वतंत्रता से इस भारत में नहीं जी पाएंगे, केवल ब्राह्मणों का गुलाम बनकर जिएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सभी भारत के लोग इस संविधान का रक्षा करने का काम करें। हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें। ये संविधान हम लोगों का रक्षा करेगा। जब तक इसमें इस भारत देश में संविधान रहेगा तब तक हम लोग आज़ादी से जहाँ मर्जी जो मर्जी वो कर सकते हैं।